Hello, my dear students. Welcome in my YouTube channel. So, in this video lecture, we are going to discuss about human embryo and all the membranes of fetus. So, अगर students हम लोग बात करें outer cells of blastocyst की, तो वो बनाता है fetal और extra embryonic membrane. And आप इस diagram में देख सकते हैं कि this is the umbilical cord. And this umbilical cord and this is amnion, amniotic fluid is here, yolk sac, and this yellow color structure is called allantois. So we are going to start this topic here. So the peripheral cells or the outermost cells of the blastocyst, it is called trophoblast. What it is called, students? Trophoblast. This is the outermost, or you can say outer cell of blastocyst. Outer cell of blastocyst. इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोलते हैं और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फीटल मैम्ब्रेन बनाते हैं. तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक या फीटल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेनली तीन लेयर्स होंगी. एमनियन, कोरियन इज रिटन हियर, एंड थर्ड इज एलेंटोइस, एंड फोर्थ इज यॉर्क सैक. दीज आर द फोर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. एमनियन की अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं ये जो रीजन है ये एमनियन का है. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द एम्ब्रियो, जिसने कि एम्ब्रियो को सराउंड किया हुआ है. Between the amnion and embryo, it is a present the amniotic cavity. आप देख रहे हैं यहाँ पे amniotic cavity और इसके अंदर amniotic fluid होगा, amnion. और इसका important functions ये है कि ये amniotic fluid provide करेगा to the developing embryo को और prevent करता है embryo की desiccation से. amniotic fluid desiccate नहीं हो पाता, dry नहीं हो पाता, उसको nutrients मिलते रहते हैं और shock absorber की तरह भी ये function करता है. दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि जो कोरियन है, अगर हम लोग कोरियन की बात करें तो जो पार्ट ऑफ कोरियन इन कॉन्टैक्ट विद एंडोमेट्रियम, जो कोरियन है जो एंडोमेट्रियम के कॉन्टैक्ट में है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको कि हम लोगों ने बोला हुआ है कोरोनिक विलाई. दैट इज कॉल्ड कोरोनिक विलाई. विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड इट विल इंक्रीज द सर्फेस एरिया. आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड इट विल फॉर्म प्लेसेंटा. अगली बात स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें एलेंटोइस की, तो जो एलेंटोइस है ये ब्लड वेसल्स को फॉर्म करेगा एंड दैट विल रन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस वॉल. जो हमारा डेवलपिंग फीटस है और यूट्रस वॉल के बीच की बात जो है इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो एलेंटोइस है कोरियन के कॉन्टैक्ट में आता है और वहाँ पर ये रिजली वेस्कुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स एलेंटोकोरियन. दैट विल फॉर्म द फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा. और यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स यॉर्क सैक मिलेगा. ये जो है एरिया है, दिस इज द यॉर्क सैक. इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं. ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बहुत सारी बर्ड्स में और रेप्टाइल्स का जो एम्ब्रियो है, और ये ह्यूमन में भी प्रेजेंट है, लेकिन ये एम्ब्रियो को नरिश नहीं करता है. दिस यॉर्क सैक इन ह्यूमन में एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा. दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि जो ह्यूमन एग होता है वहाँ पे यॉक नहीं होता. ह्यूमन फीमेल में जो एग मिलेगा वहाँ पे यॉक सैक एब्सेंट होगा. और इसका ह्यूमन बीइंग में एक नया फंक्शन है कि जब अर्ली डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये एक स्टेम सेल का सोर्स है, सोर्स ऑफ स्टेम सेल. और स्टेम सेल से ही स्टूडेंट सारी सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट होती हैं, एंड इट विल गिव राइज टू ब्लड एंड लिम्फोइड सेल, एंड दीज स्टेम सेल्स विल माइग्रेट इनटू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो कुछ फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसका प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, ये सारा जो हमारी फीटस की मेम्ब्रेन्स हैं इनका फंक्शन है. और जो यॉर्क सैक होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही ह्यूमन बींग्स में बहुत ही स्मॉल होगा. ग्रेजुअली क्या होता है, डिजेनरेट होता रहता है, श्रिंक होता रहता है. कोरियन और जो एलेंटोइन है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा, ह्यूमन प्लेसेंटा का,
और इसी को हम लोग बोलते हैं कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा, कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। आप चाहें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख भी सकते हैं कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। ये कुछ हम लोगों ने आज बात करी है ह्यूमन एम्ब्रियो और उनके फीटल मेम्ब्रेन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो बी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक। इफ यू फील टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन फॉर योर कंटिन्यूअस लव एंड सपोर्ट। आई होप वी विल मीट सून। थैंक यू।